हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज है संडे यानी रविवार और आज है ग्रहण का दिन। अभी मॉर्निंग नहीं हो रही है, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:44 पौने तीन का टाइम हो रहा है। और अभी ग्रहण खत्म हुआ 2 बजे। उसके बाद रोहित ने बोला कि उसके बाद फिर से नहाना है, झाड़ू पोछा करना है और उसके बाद फिर ताज़ा पानी भर के खाना बनाना है। और सुबह से खाना नहीं बना घर में, क्योंकि सुबह रोहित उठ गए थे 6 बजे और उन्होंने हमको भी उठा दिया सबको और कहा कि जल्दी से ब्रश वगैरह करके सबसे पहले चाय पी लो और पोहे बना के भी दे दिए यहाँ तक कि। तो हमने 6:30-7 बजे उठ के सबसे पहले ब्रश करके पोहे खाए, चाय पी, उसके बाद हमने अपना झाड़ू वगैरह लगाना, नहाना वगैरह किया, क्योंकि 9 बजे के बाद कुछ खाना पीना नहीं था। हालांकि पानी पिया और ये जो पानी था पीने का कल का था बासी, वो मैंने फेंका है। और अब मैं फिर से पानी भरने के लिए ऊपर छत पे जा रही हूँ। छत पे इसलिए क्योंकि मोटर का जो पानी है वो डायरेक्ट ऊपर टंकी में पाइप लगाए वहाँ जाता है, तो मैं टंकी के ऊपर थोड़ा गैप में पाइप लगा है, वहाँ से पीने का पानी मोटर से भर के चालू करके वहाँ से भर के नीचे लाऊंगी। और यहाँ बीच में भैयू बच्चे जो थे वो अंदर संध्या कर रहे थे, उनकी 2 बजे नहाने के बाद उनकी संध्या हो चुकी है। वो लोग भी जप करने गए थे उनके पापा के साथ मंदिर में, वहाँ जप किया उन्होंने नर्मदा घाट पर। और अभी वो लोग भी आए हैं और अपनी संध्या पूजा कर रहे हैं, जनेऊ चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हर बार ग्रहण, सुतक या वृद्धि के बाद उनको जनेऊ चेंज करना अनिवार्य होता है। तो अभी से वो सिखाएंगे उन्हें, तभी वो भी सीख पाएंगे। और यहाँ मैंने दोनों घड़े पानी भर लिया है और अब मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि सुबह से खाना नहीं बना है। क्या आप लोगों के घर में भी ग्रहण के दिन ऐसा ही किया आप लोगों ने, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो जैसा हमारे पतिदेव कहते हैं हम वैसा कर लेते हैं। ब्राह्मण हैं तो थोड़ा सा नियम धर्म का पालन करना ही पड़ता है। और अब जो पानी मैं भर के लाई थी उससे जितनी भी बॉटलें थी वो सब मैं वापस से खाली करके भर रही हूँ। यहाँ साइड में ये बैठ के पूजा कर रहे हैं। हमारा किचन और पूजा घर दोनों ही एक है, क्योंकि छोटे छोटे कमरे हैं 10x12 के, तो इसलिए यहाँ पर किचन और पूजा घर है। पास में एक बेडरूम है और उसके बाद एक हॉल टाइप रूम है और इसके बाद वॉशिंग एरिया है। तो मैंने आपको टूर नहीं कराया मेरे घर का, क्योंकि आप लोगों ने किसी ने भी कमेंट नहीं किया होम टूर का। जब भी आप में से कोई कमेंट करेगा तो मैं ज़रूर अपना घर आपको दिखाऊंगी। तो बस अब पानी वानी भर लिया है, अब हम करेंगे खाने की तैयारी। बच्चे बोल रहे हैं मम्मी भूख लग रही है जल्दी करो, तो मैंने एक साइड रख दी है चाय और एक साइड मैंने रखे है चावल। चावल में थोड़े से जीरा राइस टाइप बनाऊंगी और उसमें तेज पत्ता वगैरह का थोड़ा सा घी का जो तड़का है वो लगाऊंगी। इस तरह से आज चावल बना रही हूँ और उसके साथ मैं बनाऊंगी कढ़ी और देखते हैं सब्जी में क्या बनता है। जब जल्दी कुछ बनाना हो तो सबसे पहले हमें चावल ही याद आते हैं, और खाने में भी जब सबसे कुछ हल्का लाइट वेट खाना हो तब भी चावल ही याद आते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि मुझे कुछ भी झटपट बनाना हो तो सबसे पहले चावल, पोहा, ऐसे ही कुछ याद आता है। तो ये है हमारे यहाँ की ग्रहण की इमेज। मैंने ग्रहण नहीं देखा था लेकिन कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे पिक भेजी थी कि आप भी देखिए हमारे MP में ग्रहण कैसा था, दिख रहा था। हर बार जब ग्रहण लगता है तो कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ बातें कही जाती हैं कि इस राशि वाले के लिए ऐसा था वैसा है। तो हमारी राशि पे भी अच्छा नहीं था ग्रहण, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ खास प्रभाव पड़ता होगा, क्योंकि कहते हैं कि बहुत बुरा प्रभाव था हमारी राशि पे, पर ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। एक हल्का सा परिवर्तन थोड़ा सा होता है हमारी लाइफ में, थोड़ा सा बदलाव आता है, बाकी कोई बड़े बड़े हादसे जो होते हैं उस टाइप से कुछ भी नहीं होता ग्रहण में। एक्चुअली ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे हमारी लाइफ में कुछ नेचुरल प्रोसेस होती हैं वैसे ही नेचुरल प्रोसेस है ये ब्रह्मांड की, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा बचाव जो चाहिए वो हमें करना चाहिए, वो ही हम कर सकते हैं। तो चावल मेरे बन चुके हैं यहाँ पे, कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं।
और वीडियो को मैंने थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया है ताकि वीडियो छोटा बने। लंबा वीडियो मुझे आजकल पसंद नहीं है बनाना, क्योंकि घर में कुछ खास तो है नहीं। ये देखिए मेरी चाय गई। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कहीं कुछ झूल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो बस मैं वीडियो बीच में ही रोक दिया था क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया था। और यहाँ पे मैं आपको खाना बता रही हूँ, सब खाना मैंने बना के निकाल लिया है, क्योंकि अभी बच्चों का कोई भरोसा नहीं, कभी कुछ कभी कोई खाएगा, कभी कोई खाएगा, किसी का कोई टाइम नहीं है। तो आलू फ्राई, ज़ीरा आलू जो सब्ज़ी होती है वो बनाई, कढ़ी चावल आटा गूंद के रखा है, एक साइड यहाँ पे सीटी आ रही है दाल की, मैंने जो कच्ची दाल होती है उसे फीकी जीरे और हरी मिर्ची के बघार लगा दिया है वो बनाई है, क्योंकि कढ़ी खाना मोनू को अलाउ नहीं है और उसकी दादी को भी नहीं है, इसलिए दोनों के लिए फीकी दाल और चावल बनाए हैं। और ये हम वो चाय रखी है जो मैं खाना बनाने से पहले बना के रखी थी मेरे लिए और पी नहीं है, और अब मैं इसे गर्म करके पी रही हूँ। एक्चुअली हम औरतों के साथ ऐसा ही होता है, हम सारा काम निपटाने के चक्कर में अपना खाना पीना सब साइड में रख देते हैं, तो बस वही हुआ है। और यहाँ बर्तनों का ढेर लगा है जिसे अब साफ़ करना है। तो ये था मेरा आज का संडे का ग्रहण का रूटीन। आप बताइएगा कि आपका ग्रहण का दिन कैसा गया। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।